वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब वक्त हुआ है जी डॉक टॉक का कि विंटर्स में आप कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हमने पहले एक सेगमेंट किया था जिसमें बात की गई कि छोटे बच्चों की, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज जिनकी पहली सर्दियां हैं, उनका कैसे ख्याल रखें। एंड वी हैड अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट फॉर दैट। आज आपके बहुत सारे सवाल आए कि छोटे बेबीज का तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन जो टॉडलर्स हैं वो किसी तरह भी काबू नहीं आ रहे। उनको देखना पड़ता है, ना वो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ना वो जंक फूड खाने से, ठंडा खाने से, आइसक्रीम्स एंड कैंडीज खाने से बाज आ रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए, आज हमारा यही टॉपिक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, उनसे पूछेंगे कि क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, और उनको गर्म कपड़े पहना कर रखना ये अपने आप में एक जद्दोजहद है पेरेंट्स के लिए। ना वो जैकेट पहनना चाहते हैं, ना वो स्वेटर पहनना चाहते हैं, मोजे पहनते हैं तो थोड़ी देर के बाद आंख बचाकर फौरन उनको भी उतार देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो छोटे बच्चे हैं, क्या इनको सर्दी नहीं लगती, एंड हाउ डू वी मेक श्योर कि ये अपने गर्म कपड़े पहन कर रखें। अस्सलाम जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया। और जैसे सर्दियों का मौसम है तो आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स कि बच्चे जो होते हैं वो हर चीज खाने के मामले में भी और कपड़े के पहनने मामले में बड़ा तंग करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को आई अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि बच्चे को सर्दी तो लग रही होती है। बस हम कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर एक जरूर अच्छा रखें अपने कमरे का, ज्यादा गर्म भी ना हो ना ज्यादा सर्दी भी ना हो, और कोशिश करें जितना उनको पहना सकते हैं जरूर एक जो है कवर जरूर करें चीजों से, सॉक्स जरूर पहनाए, ग्लव बच्चों को पहना दें छोटों को, और चेस्ट जरूर कवर करें, और कोशिश करें जितना हम कर सकते हैं करें क्योंकि जरूरी है। और रूम टेम्परेचर जरूर अच्छा रखें, ज्यादा गर्म भी ना करें बच्चों को, क्योंकि वो ना देखे लोगों को बहुत थ्री लेयर्स बहुत ज्यादा मोटे चीजें बच्चों को पहना देते हैं, सर पे टोपी पहना देते हैं, हीटर भी ऑन कर देते हैं, तो ऐसा भी ना करें। जितनी सर्दी आपको लग रही है उतनी समझे उससे थोड़ी सी ज्यादा बच्चे को लग रही होगी, और जितनी गर्मी आपको लग रही है उतनी बच्चे को भी लग रही होगी। तो रूम टेम्परेचर कोशिश करें अच्छा एनवायरमेंट रखें, ज्यादा गर्म भी ना हो ना ज्यादा सर्दी ना हो, और ट्राई योर बेस्ट कि जितना हो सकता है अच्छा रूम टेम्परेचर पे एक मेंटेन करें। अच्छा जी, फिर एक और सवाल ये आता है कि ये छोटे बच्चे सोते वक्त भी काफी एनर्जेटिक होते हैं। अगर आप इनको देखें, दे किक ऑफ देयर ब्लैंकेट्स, लिहाफ में इनको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, और रात भर इनके वालदैन बेचारे लिहाफ इनको उड़ाते रहते हैं। कई लोगों ने फिर इसका हल ये निकाला है कि बच्चे को सुलाने से पहले कुछ गर्म कपड़े पहना दिए जाए, एक पतला सा स्वेटर हो या फिर मोजे पहनना। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि छोटे बच्चे, खासतौर पर इसी उम्र के बच्चों को अगर हम मोजे पहनाकर सुलाते हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है क्या? इसकी वजह से बहुत ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि जी जहन पे, दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी या फिर ब्लड सर्कुलेशन में मसला होगा, इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। देखें, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो वही जैसे मैंने कहा कि आप देखें पहले सर्दी है कितनी, अगर आप बच्चे को सॉक्स पहना देते हैं और थोड़ा कोशिश करें कि स्वेटर भी देखेंगे ज्यादा उसमें ऐसे ना हो कि गर्रे हो रहे हो या बच्चे को एलर्जी को तो प्रॉब्लम आ रही हो, नॉर्मल एक जो गर्म एक थर्मल आता है वो बच्चे को पहना सकते हैं, और साथ साथ सॉक्स भी पहना दें। बहुत बच्चे इसको उसको बड़ा उनको अच्छा लगता है और उनको नींद बड़ी अच्छी आ रही होती है, लेकिन ओवर हीट भी ना करें ज्यादा कि बिल्कुल जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, और ताकि बच्चे को ज्यादा ओवर हीट भी ना हो ना ज्यादा रैप भी ना किया हुआ हो। जैसे हमने बहुत देखा है बहुत ओवर रैप बच्चे हमें मिलते होते हैं, तो इसे पहना सकते हैं आप और चेक करते रहें कि रूम टेम्परेचर कैसा जा रहा है, तो इससे कोई इतनी वो नहीं है, बच्चे को अच्छी नींद आ जाती है, और पहनाए थोड़ी देर फिर उतारते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जो खट्टी चीजें हैं उसका भी इस्तेमाल ये बच्चे हर वक्त करना चाहते हैं, या तो इनको आइसक्रीम चाहिए, कैंडीज चाहिए, आप इनको रोके भी तब भी इनको ऑरेंज जूस पीना है। मुझे ये बताइए कि एक तरफ कहा जाता है कि विटामिन सी इज गुड फॉर यू और मौसम की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उसको प्रिवेंट करने के काम आती हैं, ठंडा और खट्टा और इस तरह की कोई भी चीज खाने से क्या बच्चों को रोकना चाहिए या किसी मुनासिब मिकदार में वो ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, ठंडा खट्टा चीज तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनको नहीं देनी चाहिए बच्चों को खासतौर पर। आप विटामिन सी की आपने बात की, आप बिल्कुल ऑरेंज जूस दें, आप बहुत अच्छा होता है फ्रेश ऑरेंज जूस आप जरूर दें, लेकिन जो ये बाजार के डब्बे वाले जूस आते हैं और इनसे कोशिश करें अवॉइड करें, खट्टे अजीब से जो जूस होते हैं। बच्चे को पानी ज्यादा पिलाएं, पानी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। आप बटन ऑरेंजेस दें, मीठे ऑरेंजेस भी आते हैं, फ्रूट्स आप बच्चों को बहुत दें, वेजिटेबल्स दें,
और जो ऐसी चीजें जिसमें विटामिन सी मौजूद है आप जरूर दें, लेकिन ट्राई टू अवॉइड ये खट्टी चीजें और ठंडी चीजें, और ये बड़ों को भी अवॉइड करनी चाहिए। और बच्चों को आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स दें और जूसेस भी पिला सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल जितना अच्छा देंगे उतना ज्यादा बच्चों के लिए अच्छा है, और जूसेस भी फ्रेश जूस आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन ठंडे और खट्टे ना हो। 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को अगर हल्का फुल्का नजला होता है, बुखार होता है, तो किन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए? कई लोग कहते हैं कि इनके लिए जो पेन किलर सिरप्स हैं वो भी मुनासिब मिकदार में देनी चाहिए, जो कि उसकी डोजेज लिखी भी है, लेकिन साथ ही साथ कई दफा देखा ही जाता है कि पेरेंट्स बगैर पूछे बच्चों को एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करा देते हैं, इस पे आपका क्या मशवरा होगा? बिल्कुल, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, और मैं बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ ये जब वायरल अगर कोई इन्फेक्शन बच्चे को हुआ हुआ है तो वो अपने एक टाइम सही हो जाता है। आपको करना ही है कि सिर्फ आपको उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीट करना है। कोशिश करें जैसे पैरासिटामोल देनी, अगर बुखार ज्यादा हो रहा है बच्चे को मॉनिटर करें, एंटीबायोटिक प्लीज ना दें क्योंकि वायरल बुखार है, ये अपने टाइम सही हो जाएगा। आपको करना ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डोजेज का बड़ा बच्चों में देखा जाता है, तो हर दवाई की एक डोज होती है, तो मेरी रिक्वेस्ट होती है पेरेंट्स से प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें पता है कि हर दवाई कितनी डोज है। ओवर डोसेज बच्चों को आप दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक भी खुद ही शुरू कर देते हैं फिर खुद ही बंद कर देते हैं, तो बच्चे की इम्यून सिस्टम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और खुदा ना खास्ता जो ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक हमने रखी हुई वो बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करें खुदा ना खास्ता बच्चे को बुखार हुआ है तो आप हर 4-4 घंटे बाद 6-6 घंटे बाद डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें। आजकल हर डॉक्टर अवेलेबल होता है कि डोज कितनी देनी है बच्चे को, आप सिर्फ उसको पैरासिटामोल दें 4-4 घंटे बाद और फॉलो करें 2 दिन तक एटलीस्ट, और आप उसको सूप यखनी चीजें दें, इतनी प्यारा मौसम चल रहा है तो आप सूप दे सकते हैं बच्चे को, उसमें दे सकते हैं हनी वाटर बड़ा अच्छा होता है बच्चों के लिए, आप उसको नीम गर्म पानी में थोड़ा शहद ला के दें तो वो बड़ा अच्छा होता है बच्चे के लिए। और कोशिश करें दूसरे बच्चों से दूर रहें, या बड़े अगर किसी को नजला खांसी हुआ हुआ है तो वो बच्चों से जरा दूर रहे, उनकी चीजें अलग हों, क्योंकि ये एक से दूसरे को फैलता है। हाथ जरूर, जैसे भी कोरोना में सिखाया कि हाथ धोए जरूर, मास्क लगा लें, अगर किसी को बड़े को ये हुआ हुआ है तो कोशिश करें कि ये सब चीजें फॉलो करें ताकि आगे फैमिली में ना हो, अगर किसी एक बच्चे को हो गया तो कोशिश करें कि दूसरे बच्चे को महसूस करें, क्योंकि ये सबको फैलेगा और इसके टाइम सही है, खुद ब सही हो जाता है। आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना करें और उसके बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर बच्चे को नजला है और टेम्परेचर भी है तो नहलाने धुलाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे बच्चे को नहलाया जा सकता है गर्म पानी से ही सही? कुछ लोग तो कहते हैं कि जी अगर बुखार है बच्चे को नजला है तो खुदा ना खासा वो बिगड़ ना जाए, तो जब तक बिल्कुल बुखार और नजला सही नहीं हो जाता उस वक्त तक बच्चे को नहलाते नहीं है, इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ठंडे पानी से नहलाएं, वो कहीं भी अलाउ नहीं, आप जो टैप वाटर होता है उससे आप नहला सकते हैं, लेकिन आपको एनवायरमेंट भी सही रखना है। जब आप बच्चे को नहलाएं तो उसको फिर प्रॉपर आप उसको ड्राई करें, और कोशिश करें जब रूम में लेके आए तो कोई एसी ना चल रहा हो, कोई फैन ना चल रहा हो, थोड़ा सा उसको एहतियात करें, कपड़े गर्म पहना दें, और लेकिन अगर बुखार है तो उसको जरूरी है कि उसका आपको टेम्परेचर अच्छा रखना है, ज्यादा गर्म नहीं रखना बच्चे को, ये ज्यादा कंबल नहीं उड़ाना, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो अच्छा है आप उसको नहला सकते हैं टैप वाटर से, और ठंडे पानी से अवॉइड है, ठंडे पानी से ना नहलाएं, टैप वाटर से आप नहला सकते हैं। और उस बच्चे को अगर नजला है तो वो मैंने बताया कि वायरल होता है, वो एक टाइम पीरियड पे सही हो जाता है, आप उसको जो यखनी से दें, और नहाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता जो बातें हैं, लेकिन रूम आप रखिए बच्चे को आप ठंडे पानी से नहला बिठा रहे हों, फैन चल रहा हो बहुत, ऐसा अवॉइड करें। जो होता है टैप वाटर आप नहला सकते हैं, और टैप देखिए टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप उसे कम करना है, सही है, तो आपको ये ना करें कि कंबल उड़ा दें, तब गर्म कपड़े और पहना जाके और टेम्परेचर बढ़े, हमें नॉर्मल चीजें मेंटेन करनी है, तो आप टैप वाटर से नहला सकते हैं। तो हम स्पंजिंग भी करते हैं, वाटर स्पंजिंग अगर बुखार बढ़ा हुआ है तो सफाई जरूर रखें, सफाई के अगर सफाई नहीं रखेंगे तो और बीमारी हो सकती है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि कौन सी वो गलत चीजें हैं जो हम करते हैं, बद एहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों का नजला जुकाम और बुखार बिगड़ जाता है, जिसके बारे में आप खास तनबीह करना चाहेंगे, वार्न करना चाहेंगे कि लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए बच्चे को जैसे मैंने बताया किसी बड़े को हुआ हुआ है तो वो कोशिश करें छोटे बच्चों से अवॉइड करें ताकि उन्हें ना फैले, और खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को हुआ हुआ है तो हम कोशिश करेंगे
डॉक्टर से डिस्कस करें। कुछ डेंजर साइंस होते हैं जो सर्दियों में जो बच्चे हैं जिनको अस्थमा होता है, एलर्जिक होते हैं उनको, वो बढ़ सकता है। जैसे डेंजर साइंस उनका रखेंगे, अगर नेजल फ्लेरिंग किसी को हो रही है खुदा ना खास्ता, तो वो डेंजर साइन है, आपको कौन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सब कोस्टल इंटरकोस्टल रिसेशंस होते हैं, जो खड्डे पड़ रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं, वो डेंजर साइन है। सांस की रफ्तार तेज हो रही है तो वो डेंजर साइन है। तो इन चीजों का जरूर ख्याल करेंगे, ये डेंजर साइंस होते हैं सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी ये ज्यादा खास किसी को ट्रिगर हो रहा है तो ये बढ़ सकते हैं। ज्यादातर हम सर्दियों में देखते हैं किसी को समा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है एलर्जिक, तो वो कभी कभार ट्रिगर कर जाता है किसी फूड से किसी चीज से, तो वो त्याग करें। और जैसे मैंने कहा कि देखें सर्दियां आ रही हैं या गर्मी है, तो आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर जरूर मेंटेन करना है। आपको ये नहीं करना कि बच्चे को आप 3 लेयर सुनाई भी और आप जाके सामने हीटर के आगे बिठा दें। आई मीन उसका भी ख्याल करें, जो छोटे बच्चे हैं वो तो बोल भी नहीं सकते, तो बड़ी प्रॉब्लम लाइक बड़ा तो बच्चा फिर थोड़ा बहुत बोल लेगा, लेकिन छोटे बच्चे नहीं बोल पाते। तो आप ख्याल करें कि टेम्परेचर मेंटेन जरूर हो, ज्यादा ठंडा भी नहीं छोड़ना बच्चे, क्योंकि ज्यादा खुदा ना खास्ता अगर बच्चा ज्यादा ठंडा होगा तो वो भी उसके नुकसानदेह है। एक नॉर्मल टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, और जो सर्दियों के जूस वगैरह जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं छोटे बच्चों के लिए, ये बड़ा ख्याल करें कि ये बड़ा होता है कि नाना दादी खा रहे होते हैं, खाते खाते वो बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो इनका जरूर कोई चॉकिंग हो जाती है उससे, तो वो जरूर ख्याल करें बच्चों के हवाले से। और बिल्कुल ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, अगर टेम्परेचर हो रहा है तो उसका मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आप उसे कूल करना है, आप उसको और कंबल नहीं डालना ताकि और टेम्परेचर बढ़े। तो इस बैलेंस डॉक्टर पीरियड्स के डॉक्टर को जरूर इन्वॉल्व करें, वो आपको बहुत गाइड करेगा। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, कोई भी दवाई बगैर पूछे बच्चे से डॉक्टर से पूछे बगैर बच्चों को ना दें। ख्याल करें सर्दियां बहुत कम आती हैं, उनको एंजॉय करें और जितना एहतियात कर सकते हैं एहतियात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए डॉक्टर साहब, और ये बड़ी अहम टिप्स थी काफी आपने जो इसके बारे में एडवाइस लोगों को दी है, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प पीपल आउट। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो कुछ ट्रेंड्स पे नजर डालेंगे। हर साल अपना ही फैशन अपने ही ट्रेंड्स लेके आता है, और यकीनन क्योंकि ये तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, नए साल की तकरीबात भी हो रही है, शादी सीजन भी है, तो व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड व्हाट शुड यू मेक इन टर्म्स ऑफ योर फैशन, इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।